क्या है? वो कहाँ है? मैं उनसे मिलने आई हूँ। वो? कौन वो? मेरे वो। तुम्हारे वो? लेकिन तुम कौन हो? अरे, आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैं तो उनके चरणों की दासी हूँ। चरणों की दासी? ओह, विनी विकी ने एक नौकरानी रख दी है। हाँ, वो सो रहे हैं। क्या? खुद सारी रात मुझे जगाते हैं मेरे सपनों में आकर, और खुद सो रहे हैं। बिल्कुल नटखट है, किशन जी की तरह। क्या? विनी अब नौकरानियों की नींदें चुराने लगा? छी, उन्हें जगाइए ना, बुलाइए ना। देखो, उन्हें जगाना कुंभकर्ण को जगाने से भी कम नहीं। मैं देखती हूँ। बाय द वे, पैसे वैसे की बात हो गई? मेरा मतलब है लेन देन की। धत, वो तो कब का हो चुका। अब तो सिर्फ उनकी सेवा, उनकी सेवा में ही स्वर्ग है। स्ट्रेंज, विनी ने एडवांस भी दे दिया। एक मिनट। हाँ स्वामी। नौकरानी? हाँ, बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छा? हाँ। ये शक्ल सूरत से कैसी है? बिल्कुल तुम्हारे लायक। अच्छा? लगता है 1942 के मॉडल है। चलो देखते तो है। यस स्वामी। क्या करती है ये? क्या करती है ये? तो मेरा धर्म है। सुशील लगती है। नहीं, हाँ देखो, बहुत सारा काम करवा लेना। बहुत दिनों से ढंग का खाना नहीं खाया है, और ये फर्श इतना गंदा है, और मेरी लिपस्टिक की बॉक्स है ना। बस बस, अभी लिपस्टिक और लिपस्टिक। क्या नाम है तुम्हारा? रत्नावली प्राणनाथ। अच्छा, मतलब सरनेम प्राणनाथ है और नाम रत्नावली। रत्नावली, ये जूली सुना था, मंजली मालूम है, रंगोली तो लेटेस्ट है, लेकिन रत्नावली? आपको अच्छा नहीं लगा तो बदल दीजिए स्वामी। मैंने नाम बाम में क्या रखा है, हम तो है आपके गुलाम। उसी पे जोक मारा और वही हंसी। ए विली, कुछ चाय बाय बनाओ। चलो मैं बनाती हूँ ना। बहन किधर? बहन रसोई घर कहाँ है? अब उधर है। मैं देखती हूँ। आप पहले चाय लेंगे या क्या? हाथ मुंह धोएंगे? हाथ पहले चाय। अभी नहीं स्वामी। और वैसे है अच्छी, सुपर फास्ट। कितना एडवांस दिया था तुमने? मैंने तो कुछ नहीं दिया। पे? उसने कहा लेन देन की बात। ना, चाय में एक चम्मच शक्कर या दो चम्मच? पहले एक, बाद में दो, बाद में कुछ नहीं। अभी नहीं स्वामी। स्वामी स्वामी सरदर्द। बहुत ही ओबीडियंट सर्वेंट है, और वो भी इस कलयुग में। डैम गुड स्वामी। आई डोंट बिलीव। अरे तो फिर खुद जाकर देख लो, पूरा घर का नाक नक्शा पलट कर रखा है। वो भी विदाउट एडवांस? इम्पॉसिबल। क्या तुम दोनों सुबह सुबह? अरे सच कह रहे हैं यार, खुद चलकर देख लो। चलो ना, कम ऑन यार विक्की। हाँ चलो। देखा कितनी अच्छी सेंस ऑफ फ्रीडम है, और कितनी ओबीडियंट है ये। नहीं नहीं विनी, मुझे तो शक हो रहा है। मैं तो कहती हूँ पहले ही पैसों की बात कर लो। पता चला महीना खत्म होते ही अगर लंबा चौड़ा बिल हमारे मुंह पर मार दिया तो? ऐसे कैसे मारेगी, हमने थोड़ी ना बुलाया इसे, खुदा ही है। मैं तो कहती हूँ जितने दिन काम करते हैं करने दो, बाद में हम कह देंगे कि हमने तुम्हें बुलाया ही नहीं था। आई कहाँ से? कहीं से भी आई हो, हमें क्या। दुनिया में हजारों मजबूर लोग भटकते रहते हैं काम की तलाश में, ये भी आ गई यहाँ भटकते भटकते काम की तलाश में। नहीं नहीं, मुझे तो शक हो रहा है। अरे शक वक छोड़ो यार, मेरे कबर में तो ढेर सारे गंदे कपड़े हैं, मैं तो उसे धुलवा लूंगी। तो मेरे भी जूते पॉलिश करना है, रूम साफ करना है, और अब गई है मिसेस रत्नावली प्राणनाथ, गई। बाबा, तो मैंने कौन सा पाप किया है? मेरे भी तो सारे कपड़ों को प्रेस करना है, और कमरे में खटमल हुए उन्हें भी मारना है। मैं भी नहीं छोड़ूंगी इसे। हम तीनों का उस पर समान अधिकार है। यस, आज से हम तीनों मिलकर बर्बाद कर देंगे इस रत्नावली को। इट्स अ जॉइंट वेंचर। ओके, लेट्स गो। रत्नावली, ये लो, ये कपड़े धोने हैं। हाँ, धो देना। कपड़े तो क्या? जी स्वामी। जरा कमरा साफ कर देना रत्ना। जो आत्मा चुटकी, स्वामी के कपड़े धोकर अभी आई। जूते स्वामी के हैं? नहीं नहीं, सबके पॉलिश कर देना। हाँ जी बहन। अरे
खाना खा खा कर कितने दुबले हो गए हैं आप। मैं और दुबला? हाँ, of course. Thank you. इसके आके कमजोर हो गए तुम और दुबले। अरे इसके हाथों में बड़ी ताकत है, सारे कपड़े धो डाले। हाँ, कमरा भी साफ क्लीन। ना तो बड़ा मजा आया, दिन भर काम करती रही। यार अब तो कोई काम बचा ही नहीं। रात भर सोचते रहना, सुबह में बता देना। ये औरत है या मशीन? चाइनीज बनवाऊंगी उसे। रात को क्या खाएंगे स्वामी? इडली डोसा। रात को मैं इतना सा रखूंगा। बस इतना सा? अभी पता चला आप इतने कमजोर क्यों हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो शक हो रहा है इस पर। अरे ये इंसान नहीं, जादूगरनी। हाँ मुझे तो नहीं, नहीं अब नहीं खाया जाएगा, मुझसे नहीं खाया जाएगा। सॉरी झूठा कह रहा हूँ। मुझे कोई उठाओ यार। दस दिन का खाना एक साथ खा लिया। बिनी ये सोएगी कहाँ? यहाँ। नहीं यहाँ मत सुलाना, कहीं कुछ चोरी करके भाग गई तो तुम्हारे बेडरूम में। क्या? ए, नहीं नहीं। अरे चटाई डालकर नीचे सुलाना ना, तुम्हारे पलंग पर मत सुलाना। सॉरी है। गुड नाइट। चलो ये भी उठा लो, ये क्यों रखा है? मेरे लिए बहन। मतलब स्वामी जी की थाली में ही खाऊंगी ना मैं। बिनी की थाली में ये इतना सा झूठा चावल और आधी रोटी? इसे झूठन न कहो, ये झूठन ही मेरा प्रसाद है, मेरी सेवा का फल। सेवा का फल? लगता है इसके दिमाग में भी घोटाला है। और नहीं तो क्या, वरना इतना सारा काम क्यों करती, और वो भी मुफ्त में। ठीक है, ये प्रसाद, ये खाना खाकर सो जाना, कल जल्दी उठकर बहुत सारा काम करना है। हाँ जी चुटकी। शुभ रात्रि चुटकी। बिली बिली, अगर ये रत्नागिरी मुझे एक और बार चुटकी बोली ना तो और कुछ मत करना। चलो विकी, वो लाल वाली नेल पॉलिश चाहिए मुझे। कहाँ जा रही हो? स्वामी के कमरे में। स्वामी दूध नहीं पीते। चलो मैं तुम्हें अपना बेड दिखा देती हूँ। कब? मेरी जगह तो स्वामी की चरणों में है। मगर स्वामी अपने चरण छोड़कर दूसरी जगह तो नहीं सो सकते ना। चलो ना। तुम बहुत मजाक करती हो चुटकी। चुटकी? अभी नहीं, बाद में। क्या तुम लोग अभी तक सोए नहीं? चलो सो जाओ चुपचाप। वही तो मैं इन दोनों को बोल रही हूँ, चलिए स्वामी चलिए। क्या चलिए? जाइए इनके कमरे में। आप बड़े वो हो, हमें शर्म आ रही है। इसमें तुम इतना क्यों शर्माती हो? जाओ गुड नाइट। अरे मैं इनके कमरे में कैसे सो सकती हूँ, मैं तो आपके कमरे में सोऊंगी। व्हाट? रत्नावली जरा सोचो तो, लोग क्या कहेंगे? आप ही सोचिए, अगर मैं आपके कमरे में सो गई तो लोग क्या कहेंगे? रत्नावली तुम जो बोल रही हो वो खुद सुन रही हो? जी। मतलब जानती हो? मतलब हाय दया। ये बार बार शर्मा क्यों जाती है? विकी ये पागल हो गए, पता है दूध लेकर तुम्हारे कमरे में जा रही थी तो विकी ने कहा। विकी प्लीज। रत्नावली सुनो, तुम रात को दूध लेकर वो भी विनी के कमरे में, मुझे शर्म आ रही है यार। देखो ये हक सिर्फ एक पत्नी का होता है और तुम शरीफों की डिक्शनरी में उसका एक ही अर्थ है, समझी? अरे तो मैं गैर थोड़ी हूँ, मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ। भगवान और अग्नि को साक्षी मानकर हमारा विवाह हुआ था। हमारा विवाह? जी। यानी मेरा भी विवाह, यानी मेरी शादी हो चुकी है और मेरे घर वालों ने मुझे कार्ड भी नहीं भेजा उसका। भेजा था लेकिन आपने उसे मुंह में ठूस कर चूस चूस कर फाड़ दिया। क्या? विनी, विकी, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। मैं जानती थी, घर वालों ने मुझे उसका कार्ड भी भेजा था लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। मगर मैंने वो कार्ड को मुंह में डाला और ठूस कर चूस चूस कर फाड़ डाला। डोंट कंफ्यूज मी विनी। ए तुम चुप बैठो। क्या क्या? अरे मैंने तुम्हारी शक्ल आज पहली बार देखी है इडियट। पता है? बताऊं क्यों? जब भी हमारी शादी हो रही थी ना तभी ये जोरों की नींद में थे, सो रहे थे। अच्छा मैं सो रहा था। शादी मेरी हो रही थी और मैं ही सो रहा था, तो सो रहा था तो सात फेरे तो नहीं लिए होंगे। और सात
फेरे नहीं लिए होंगे, मतलब शादी कैंसिल है। नहीं नहीं, फेरे भी लिए थे। कैसे? अपने बापू के कंधे पर बैठकर। मतलब मैं इतना मोटा मेरे बापू के छोटे से कंधे पर बैठकर फेरे ले रहा, वो भी सात फेरे। So funny ना? चुप बेटा, funny funny चुप। मैंने तुम्हें बोला तुम बीच में मत बोलो। और तुम क्या कर रही थी? मुझे पंखा झेल रही थी? नहीं, मैं तो अपने बापू के कंधे पर बैठी थी। लो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? बताओ। हाँ। कंधे पर बैठने का? शादी का? हाँ है, दिखाती हूँ। ये पुजारी जी का सर्टिफिकेट और ये हमारी शादी की तस्वीर। हाँ। विनी, कम से कम शादी के दिन तो नीचे होता। ये किसके बच्चे हैं? ये बच्चे थोड़ी है, ये तो हम दोनों है। पता है जब भी हमारी शादी हुई थी ना तो ये 8 महीने के थे और मैं सिर्फ 2 महीने की थी। नहीं नहीं नहीं, ये फोटोग्राफ झूठ है, ये गलत है, ये सर्टिफिकेट फ्रॉड है, फ्रॉड। नहीं नहीं विनी, अरे ये सच कह रही है, तुम देखो। क्या यार, शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? नहीं नहीं, मैं ये शादी को नहीं मानता और मैं इसको अपनी धर्म पत्नी भी नहीं मानता। यू जस्ट गेट आउट। मैं कहां जाऊं? अब यही मेरा घर है, यही मेरा संसार है। मुझे मोक्ष मिलेगा तो यही मिलेगा। अब यहाँ से जाएगी तो सिर्फ मेरी लाश। तो मार मार कर मैं तुम्हें लाश ही बना दूंगा। मार दीजिए मुझे। लेकिन मैं बता दूंगी कि एक पतिव्रता में कितनी शक्ति होती है। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि सिंदूर में कितनी ताकत होती है। स्वामी, मैं आपका दिल जीत कर रहूंगी। स्वामी, मैं आपका प्यार। स्वामी, नहीं नहीं विनी, ऐसा नहीं करते। देखो, ये बहुत भयंकर पतिव्रता दिखती है और पतिव्रता को छेड़ते नहीं क्योंकि बहुत अनर्थ हो जाता है। तुम्हें इसके बारे में इतनी नॉलेज कहाँ से? इस टॉपिक पर मैंने बहुत सारी फिल्में देखी है। देखी होगी, फिल्में देखी होगी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी पत्नी है। हे भगवान, हे भगवान, ये धरती फट क्यों नहीं गई? मैं उसमें समा क्यों नहीं गई? देखो, तुम दोनों भी देख लो, मैं इस अग्नि परीक्षा से खरी निकलूंगी। लेकिन अब चलिए स्वामी, चलिए ना। बड़ी बहन, चुटकी, शुभ रात्रि। रत्नागिरी, अभी नहीं, बाद में। मुझे तो पहले से शक था कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। डरो मत, हम कुछ ऐसा चक्कर चलाएंगे। प्लीज, कल पूरी रात मुझे नीचे लेट कर सोना पड़ा, मालूम है? डोंट वरी विनी, अब देखो मेरा कमाल। वाह 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 वाह, रत्नावली बहन, तुम तो कितनी सुशील हो। तुम तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं, हस्बैंड नवाब, पतिव्रता हो। बैठो ना, ये तो कितनी भोली है, कितनी मासूम है। लेकिन भगवान भी कितना दुष्ट है, कौवे के गले में डाल दिए इस हीरे को। मतलब यही कि यहाँ से भाग जा। क्यों, उस गए गुजरे के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है? क्यों, क्या किया है मेरे स्वामी ने? अरे ये पूछो कि क्या नहीं किया है। क्या वो शराब चरस गांजा पीते हैं? अरे वो तो तब पीते थे जब वो इतने थे। अरे वो तो तब से पीते हैं जब बापूजी के कंधों पर बैठकर 7 फेरे लिए थे। अब तो बहुत आगे निकल चुके हैं। हाँ, अब तो पूरी पूरी रात कोटे पे बिताता है और दिन जुआ खानों में। डर गई। मेरा मतलब है ये घर है ना, घर गिरवी पड़ा है, साहूकार कभी भी आकर इसे वापस ले लेगा। भगवान, तेरी लीला अपरंपार है, तू धन्य है प्रभु। मैंने जैसा पति चाहा था वैसा ही तूने मुझे दे दिया। क्या, तुम ऐसा गुणवान पति चाहती थी? ऐसा पति होता है तो उसे सुधारने का मौका तो मिलता है। अरे बेवकूफ, दीवाला रैकेट का नाम सुना है तुमने? हाँ तो विनी का नाम उस फाइल में है। वो तो गर्व की बात है, सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस? मैंने 56 लड़कियों के साथ शादी की है, वो भी विदाउट प्रूफ, 56 नॉट आउट। बस इतनी ही? तो उन सबको घर में लेके आई है ना, उन सब की पूजा करूंगी, उनकी सेवा करूंगी। मेरे ये है ना, बिल्कुल किशन जी पे गए हैं, उन्होंने 16 सहस्त्र विवाह किए थे। हाँ, नटखट। नहीं, नहीं, नहीं। दोने हैं।
प्लीज यार, इसका कुछ करो तुम लोग। विनी, विनी तुम अपने डैडी से बात क्यों नहीं करते? अरे पागल, डैडी से बात की ना तो डैडी कहेंगे ये तो सुशील लड़की है, कर ले शादी, मतलब मरा ना मैं। कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ तो आइडिया। क्या? क्या? कम रह रत्ना। वली, क्या हुआ? विनी के माँ बाप ने तुम्हें अपनी बहू कबूल कर लिया है। क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि जो पत्नी अपने पति के चरणों की तलाश में दर दर भटकती रहे वो तो बड़ी पतिव्रता होगी, और ऐसी पतिव्रता पर शक करके वो नर्क नहीं जाना चाहते। सच? कल सुबह की गाड़ी से आ रहे हैं? क्यों, मेरा मतलब है वो क्यों आ रहे हैं, वही से आशीर्वाद दे देते। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें अपना सर उनके चरणों पर पटकने का मौका जरूर देंगे वो। क्या मतलब? चरण स्पर्श करने का मौका। कब आ रहे हैं मेरे सास ससुर? कल 9 बजे की गाड़ी से। हम उन्हें रिसीव करने जा रहे हैं। अब कल सुबह हम घर पे नहीं रहेंगे, 10 बजे तक। 10 बजे तक? अच्छा, तुम्हारे अलावा इस घर में और कोई नहीं होगा? तुम एकदम सच सच कर रहे ना? जरूर तैयार होंगी मैं। वैसे विनी कहाँ है? अरे वो तो कहीं शर्मा रहा होगा। चलो चलो, बाय। आज शर्माओगे कल पछताओगे। मेरे स्वामी। दर्शन देने और बहू उन्हें देगी टेंगा। देखो भूलना नहीं, जरूर आना। मेरे को बहुत कंटाला आता है, तेरी बहुत याद आती है। हाय हाय, मेरी पतिव्रता। भाग जा, चल। 30 सही निशाने पर लगा है, चोट कल आएगी। स्वामी, मैं तो तुम्हारे चरणों की दासी हूँ, तुम्हारे चरणों में ही मेरा स्वर्ग। मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा स्वर्ग की बच्ची। स्वामी, उन्हें लेकर जल्दी आना, मेरे प्राण उन्हें देखने के लिए तड़प रहे हैं। हाँ, डोंट वरी, वैसे भी तुम्हारे प्राणों को मुक्ति देने का वक्त आ गया है। हाँ? हाँ? मतलब ट्रेन का वक्त हो गया है ना। चलो चलो चलो, बाय। देखो तुम यहाँ साफ करो, मैं ऊपर हाथ मारती। चल। स्वामी, स्वामी, ये देखिए क्या कह रही हो तुम। हाँ विनी, ये मेरे खोए हुए स्वामी है। क्या? मेरा सिंदूर, मेरा सुहाग, मेरे सरताज। ये क्या बक रही है रे? मेरी इनसे शादी हो चुकी है बचपन में। ये मुझे बेवकूफ बना रही है क्या? रत्ना, ये हमारे हथियार से हमें काट रही है। मेरे पापा ने हमारी बचपन में ही शादी करा दी थी, और मेरे पापा ने अपनी सारी जायदाद मेरे होने वाले पति के नाम कर दी थी। हाँ, याद आया, जायदाद? हाँ, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये बंगला, दो चार गाड़ियाँ, और 70-80 किलो सोना। किलो? तोला, तोला, 70-80 तोला। याद आया, मुझे कुछ कुछ याद आया। देखो देखो, ये लड़कियां हमें बेवकूफ बना रही है। कब हुई थी शादी? बचपन में। कहाँ हुई थी? कंधे पर, और कहाँ, पूछो इनसे। देखो इसके बहकावे में मत आना। हाँ, मेरे पास सबूत भी है, ये देखो ये फोटो। अरे ये बच्चे किसके हैं? एक मैं, एक स्वामी, एक मैं और एक मैं, हम दोनों विटनेसेस। समझ गए ना? चल हट। चलिए स्वामी, चलिए चलिए। तुम कहाँ जा रहे हो? जाने दो ना हमें, क्या। देखो ये इसका पति नहीं है। अरे हमें उससे क्या, चलो हम चलते हैं। छोड़ो, ये दो टक्के की तस्वीर कहीं भी मिल सकती है। हाँ, और ये सर्टिफिकेट। हाँ, ये सर्टिफिकेट झूठ नहीं हो सकता। बेशरम, इसकी जायदाद क्या दिखी, तू तो पलट गया।
मुझे क्या मालूम बचपन में क्या क्या हुआ था। हो सकता है ये सच बोल रही है। गाँव में मेरे साथ शादी बनाई और अभी इसका मरद बनता है। अच्छा, और तू भी मेरी पतिव्रता बनने का ढोंग कर रही थी, मेरे साथ घूम रही थी, बीवी इसकी और मेरे चरणों में स्वर्ग। हाँ नहीं नहीं, वो सब तो मैंने इसके कहने पर किया था सिर्फ पैसों के लिए, और अब ये पैसों के लिए मुझे भी छोड़ रहा है। अब तो इसकी यही सजा है। और मैं तो रुकना की यही सजा मुझे मेरी तेरी सर शादी हुई थी। तू मेरी प्राण प्रिय, मेरी सावित्री, मैं तुम्हारा पत्नी व्रता हूँ। विनी, अब इसका क्या किया जाए? अरे इससे तो घर के सारे काम करवा लेंगे। चल जूटी।